ये देख सकते हैं, थोड़ा काम कर दो ना। ये बॉडी को देखा पानी आएगा। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे हो। आज का वीडियो का टॉपिक है बॉडी जेट का। कंसील पार्ट तो मैं फिटिंग कर चुका हूँ, अपर बॉडी फिटिंग करने वाला हूँ। ये कंसील पार्ट का वीडियो जो मैं यूट्यूब में ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ पूरा डिटेलिंग के साथ में। वीडियो के अंत में राइट साइड में एक वीडियो आ जाएगा, उसमें अगर क्लिक करोगे तो आप लोगों को मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में भी ये वीडियो का लिंक रहेगा। तो आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा, इस साइड में बॉडी जेट और बेसिन हो गया और इस साइड में टॉयलेट एरिया है। अभी आते हैं बॉडी जेट का। अपर बॉडी फिटिंग करने से पहले आप लोगों को क्या करना है, आपका अगर जेट ओपन जेट है ऐसा, तो आप लोगों को ब्रास्टी लगे या ब्रास एल्बो लगे, उसका चारों साइड में आप लोगों को सीमेंट या सिलिकॉन से पूरा भर देना है। उसके बाद में साफ सफाई कर लेना है। सीमेंट सिलिकॉन से अगर आप लोग नहीं भरते हो, कभी भी बाई चांस लीकेज होता है, टाइल के अंदर पानी जाता है, आप लोगों को पता नहीं चलता है भाई लीकेज कहाँ से हो रहा है, तो आप लोगों को पूरा टाइल भी तोड़ना पड़ सकता है। यहाँ पे दोस्तों ओपन बॉडी जेड में सीमेंट लगाने के बाद में आप लोगों को बीट निप्पल या इसको एक्स निप्पल भी बोला जाता है, उसमें टेफ्लॉन टेप लगा के टाइट कर देना है। देख सकते हो यहाँ पे, मैं आप लोगों को जूम करके दिखा देता हूँ, इसमें दोनों साइड में थ्रेड होता है, तो इसको लगा देना है। लगा देने के बाद में आप लोगों को जेड लगाना है। जेड में एक वाइसर आता है। ये जो ओपन बॉडी जेड होता है थोड़ा सिंपल होता है, और कंसील बॉडी जेड का फिर कभी मैं वीडियो अपलोड करूँगा। तो आप लोगों को क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा के रख लें, ताकि मैं कभी भी वीडियो अपलोड करूं आप लोगों से मिस ना हो जाए, आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाए। तो इसीलिए सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी होता है दोस्तों। सब्सक्राइब करने में कोई भी पैसा नहीं लगता है। देख सकते हो मैं किस तरीके से टाइट करके मैं लगा रहा हूँ, सारा का सारा जो है बीट निप्पल लगा के जेट को फिटिंग कर रहा हूँ। इसका फ्लांज को क्या है, सीधा सीधा रखना होता है। उसके बाद में थर्मोस्टेट का पूरा जो जैसे कि स्पाउट का बटन है, शावर का बटन है, पूरा का पूरा उसको टाइट कर लेना है, थ्रेडिंग को टाइट कर लेना है, ताकि मेरा अपर बॉडी लगाने में आसानी हो। उसके बाद में दोस्तों आप लोगों को क्या करना है, डिग्री सेट करने वाला बटन के ऊपर आप लोगों को प्लेट फिटिंग कर देना है, उसके ऊपर सारा का सारा बटन लगने वाला है। पूरा चेहरा दिखाई देगा इसका, प्लेट में पूरा गोल्डन कलर है, देख सकते हो। ऊपर वाला तो शावर वाला हिस्सा लगा दिया, उसके बाद में जो मैं लगा रहा हूँ ये जेड वाला है। जेड वाला में क्या, एक चीज़ मैं आप लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट समझाने वाला हूँ इसके अंदर। आप लोगों को क्या करना है, सारा का सारा जो डॉट है ना, इसमें एक डॉट एक बिंदु दिया गया है, तो उसको हमेशा से ऊपर रखना है। ये देख सकते हो यहाँ पे अपने स्पाउट है, स्पाउट के ऊपर एक डॉट है, देख सकते हो। एक टेलीफोन शावर क्रॉस है, उसके ऊपर एक डॉट है। ये अपना जेट में, जेट के ऊपर भी एक डॉट है, डॉट को हमेशा से ऊपर रखना है। शावर में भी ऊपर एक डॉट है, डॉट एक बिंदु टाइप है, देख सकते हो वाइट कलर का, तो उसको हमेशा से ऊपर रख के आपको फिटिंग करना है। और एक चीज़ मैं आप लोगों को समझाऊंगा, इसके अंदर जो है जैसे कि स्पाउट है, स्पाउट के अंदर में एक वाल आता है चौकड़ी टाइप का, उसके ऊपर एक ब्लू मार्किंग होता है, और वो ब्लू मार्किंग को हमेशा से आपको रखना है ऊपर। ऊपर के साइड में अगर नहीं रखोगे तो आपका जो बटन है वो ख़राब लगेगा देखने में, ये स्पाउट का बटन नीचे उतर जाएगा। देख सकते हो ब्लू मार्किंग को हमेशा से ऊपर रखना है। इतला और इसमें आया एक सिल्वर कलर का और एक प्लेट आया, उसको भी मैं चिपका देता हूँ। ये नीचे वाला जो हिस्सा है ये थार्मो सेट करने का है, थार्मोस्टेट इसको बोला जाता है। इसमें से मेनली मैं जो आप लोगों को एक चीज़ बताया था, इसमें ये है, ये जो शावर है, शावर का डॉट जो है हमेशा ऊपर रहता है, देख सकते हो शावर का डॉट हमेशा ऊपर रहेगा। ये शावर है, ये है जेट का, जेट का भी जो डॉट है ये ऊपर है, और ये है टेलीफोन शावर का, टेलीफोन शावर ऐसा क्रॉस है लेकिन उसका डॉट ऊपर है, देख सकते हो एक बिंदु जैसा, और यहाँ पे है स्पाउट, इसका भी डॉट ऊपर है। यहाँ पे देख सकते हो ये वाला जो है गर्म ठंडा को सेट करने का, कितना डिग्री टेम्परेचर का आपको गर्म करनी चाहिए ये वाला सेट करना वाला है, ये थर्मोस्टेट इसको बोला जाता है। और ये वाला जो है स्पाउट है, और ये वाला है टेलीफोन शावर, ये वाला जेट है, और ये वाला जो है ये शावर है। शावर में तीन क्वालिटी का पानी आता है अलग अलग से, और यहाँ पे देख सकते हो ये दो जो जेट का क्वालिटी है वो अलग है, ये दोनों जेट का क्वालिटी अलग है, ये दोनों जेट का क्वालिटी अलग है। ये दोनों जो है ये थाइस कवर करता है, ये दोनों जो है ये बेली और चेस्ट कवर करता है, और ये दोनों जो है ये शोल्डर कवर करता है। तो मैं आपको चालू करके दिखाता हूँ। और यहाँ पे है टेलीफोन शावर, टेलीफोन शावर को आप ऊपर नीचे ले सकते हो, यहाँ पे एक बटन दिया गया है, इसको दबा के आप कभी भी ऊपर ले सकते हो, शावर का भी ये काम करता है, और इसको दबा के नीचे भी ले सकते हो ऐसा।
और सवार में आप लोग देख सकते हो तीन क्वालिटी का ये है पानी आने वाला है, तो वो पूरा दिखाऊंगा। और यहाँ पे सामने में लगा है बेसिन, बेसिन लगा है यहाँ पे, बेसिन तो देख सकते हो आप लोग। आप लोग राइट साइड करोगे जो है ये ठंडा पानी आएगा, लेफ्ट साइड करोगे गर्म पानी आएगा, और बीच में करोगे गर्म ठंडा मिक्स आएगा। ये पूरा पूरा गोल्ड कलर का है, ये सामने जो ये दिख रहा है ये भी गोल्ड कलर का है, ये वेस्ट कपलिन है, और नीचे बोतल ट्रैप जो है वो भी गोल्ड कलर का है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हो टोटली गोल्ड कलर का है। और मैं आप लोगों को इसका जो ये दिखा देता हूँ, ये सामने है टॉयलेट, बंद कर, ये टॉयलेट है देख सकते हो, ये भी गोल्ड कलर का है। इसका जो साफ करने का है वो भी गोल्ड कलर का देख सकते हो, टिश्यू सब का सब गोल्ड है, और यहाँ पे हेल्थ फोसेट जो है वो भी गोल्ड कलर का ही है। हेल्थ फोसेट करीब से लो थोड़ा दिखा, टोटली गोल्ड कलर का टिश्यू से लेके इसका। मैं आपको वो चालू करके दिखा देता हूँ, पहले तो मैं आपको स्पॉट चालू करके दिखाता हूँ, ये स्पॉट है। और यहाँ पे जो ये जाली लगा हुआ है, ये जो जाली लगा हुआ है ये फ्लोर ट्रैप जाली लगा हुआ है देख सकते हो, ये टाइल में कवर हो गया, ये टाइल लग है इसके ऊपर, मतलब जाली के ऊपर टाइल लग गया तो मैचिंग मैचिंग हो गया, ये साइड होल में से पानी चला जाता है। और ये वाला जो टेलीफोन सावर पे मैं आपको दिखाया था कंसील, कंसील में जैसा साइड में से लेकर के ये जेट का जो सर्किल है यहाँ से घुमाया था, ये टेलीफोन सावर के लिए ऊपर से लेके नीचे तक एक सर्किल हुआ है। यहाँ पे अपना टेलीफोन सावर होने की वजह से मैं सर्किल को इधर सीधा घुमा नहीं पाया हूँ, यहाँ से डबल 45 मार के यहाँ से लिया हूँ, तो एक सर्किल बनाना पड़ता है ताकि फ्लो सब में बराबर आए। तो अभी मैं स्पॉट चालू कर दिया हूँ, और ये रहा अपना टेलीफोन सावर, मैं गीला ना हो जाऊं, ये देख सकते वाला टेलीफोन सावर है। इसमें इस हाथ इसको अप एंड डाउन भी कर सकते हो, ऐसा सीधा भी कर सकते हो, ऐसा डाउन भी कर सकते हो। ये टेलीफोन सावर हो गया, अभी ये जेट का मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, जेट का ये देख सकते हो बड़ा ना, ये बॉडी को वॉश करने वाला है। सावर में जो तीन लाइन गए वो किस लिए मैं आप लोगों को ये कंसील पट में बताया था, देख सकते हो यहाँ पे जो सावर लगा हुआ है इसमें तीन पाइप मैं कैसे कनेक्शन किया हूँ। ये सावर का मैं आप लोगों को पहले कैटलॉग दिखा देता हूँ, ये देख सकते हो पहले नंबर में जो कटल या श्रेन ये कनेक्शन होने वाला है, दूसरा नंबर में होने वाला है लेमिनर, और तीसरा नंबर में कनेक्शन होने वाला है क्लाउड ब्रस्ट, मतलब के वो बारिश का जो पानी होता है वैसा पानी आएगा, एक में पानी को थोड़ा मिक्सिंग करके आएगा, और तीसरा में जो आएगा पानी ऐसा डायरेक्टली पड़ेगा। यहाँ पे सावर का जो ऊपर वाला हिस्सा में कनेक्शन हुआ देख सकते हो, तीन कनेक्शन पाइप को लाके जोड़ दिया हूँ, देख सकते चालू करो, ये देख सकते हो ये डायरेक्ट पानी आएगा ऐसा, ये सावर है। और तीसरा साइड में आपको मिलेगा बारिश के जैसा पानी, बारिश का फीलिंग होता है ना वो पूरा इसमें है, समझ लो हम लोग तो गरीब आदमी है, हम लोग तो नहा नहीं सकते इसमें, लेकिन जो हाथ में महसूस होता है वो पता चल रहा है, जो बारिश से भी बहुत अच्छा लगता है, मतलब बारिश का जो पानी होता है ना उससे भी अच्छा क्वालिटी में पानी गिर रहा है, तो इसमें नहाने का मज़ा ही कुछ अलग है। तो आप लोगों को क्या करना है दोस्तों, ऐसी वीडियो और भी देखने के लिए, और वीडियो अभी बाकी है ख़त्म नहीं हुआ, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ऐसा और भी वीडियो देखने के लिए आप लोगों को क्या करना है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा के रखना है ताकि मैं कभी भी वीडियो अपलोड करूं तो आप लोगों तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और इसमें जो जाली है देख सकते हो, जाली फ्लोर ट्रैप जाली है, ये टाइल के साथ में कवर हो गया है, मतलब कि जाली आपको बाथरूम के अंदर दिखाई नहीं देगा, टाइल के साथ में पूरा का पूरा लॉन्ग जाली जो है वो कवर हो गया है, मतलब कि फ्लोर ट्रैप जाली में टाइल लग गया है। यहाँ पे दोस्तों बाथरूम का अगर लाइट बंद रहेगा तो नहाने का मज़ा दुगना हो जाएगा, क्योंकि सावर में इसका सेंसर लगा हुआ है और लाइट भी है, बाथरूम में लो लाइट जो होता है वो अगर लगा रहेगा, लो लाइट में अगर ये सावर का लाइट ऑन करके नहाते हो, सावर में तो ऑटोमेटिक सेंसर रहता है, जैसे आप सावर ऑन करते हो लाइट चालू होता है, तो मज़ा जो है दुगना आने वाला है।
मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया। वीडियो पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लो ताकि मैं कभी भी वीडियो अपलोड करूँ आप लोगों तक नोटिफिकेशन मिल जाए। आप लोगों का अपना ही चैनल है और दोस्तों वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है तो लाइक करे बिना जाइएगा नहीं और कमेंट करके बताइए कुछ गलत है तो बताइए मैं एक्सेप्ट करूंगा। मैं आप लोगों के कमेंट से बहुत कुछ सीख पाता हूँ। कमेंट बॉक्स खाली है कमेंट करके बताइए आप लोगों का काम कैसा रहा। बाथरूम का लुक है इसी तरीके से है। ये वाला सामने आ गया बेसिन और यहाँ पे आ गया बॉडी जेट ऊपर आ गया शावर वाला एरिया और यहाँ पे आ गया अपना टॉयलेट।